वेलकम बैक दोस्तों, फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई महीने से हम जिस तरह साहो फिल्म के बारे में हर रोज़ बातचीत कर रही थी और हमारी मन में आ रही थी कि साहो फिल्म ऐसा होने वाली है, वो होने वाली है, धमाकेदार होने वाली है, तो दोस्तों इसी फिल्म को मैं अभी अभी थिएटर यानी सिनेमाघर से देख के बाहर आई हूँ। अगर मुझे इसी फिल्म को एक ही लाइन में रिव्यू करना हो यानी चर्चा करना है तो दोस्तों मैं आपको यही बोलूँगी, इसी फिल्म को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख के थिएटर यानी सिनेमाघर को देखने मत जाइए। अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख के थिएटर को देखने जा रही हो तो इसी फिल्म को देखने के बाद आप थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो सकती हो, क्योंकि दोस्तों इसी फिल्म के अंदर एक्शन के अलावा स्टोरी, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन कुछ भी नहीं है। अगर दोस्तों इसी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू की बात की जाए तो दोस्तों इसी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू इतना है, ट्रेलर से पता चलता है कि इसी फिल्म एक धमाकेदार होने वाली। लेकिन दोस्तों इसी फिल्म की स्टोरी ऐसा है कोई कैरेक्टर के साथ मैच नहीं करती है, फिर भी इसी फिल्म की सेकेंड हाफ में इसी फिल्म की स्टोरी और कैरेक्टर के साथ हम एंगेज हो पाएंगे। लेकिन इसी फिल्म इंटरवल और क्लाइमैक्स यानी एंडिंग मुझे काफी बढ़िया लगा, फिर भी जितना उम्मीद थी इसी फिल्म के ऊपर उतना मुझे नहीं मिला है। प्रभास की पिछले फिल्म बाहुबली और बाहुबली 2 जैसे इसी फिल्म आपको इतने अट्रैक्टिव नहीं लगने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसी फिल्म की डायरेक्टर सुजीत ने इसी फिल्म को एक हॉलीवुड फिल्म की तरह बनाई है। फिल्म की फर्स्ट हाफ इतने स्लो है, आप देख के हैरान और परेशान हो जाएगी कि दरअसल क्या चल रही है। अगर आपको एक्शन फिल्म पसंद है तो इसी फिल्म आप लोगों के लिए है, नहीं तो इसी फिल्म आपको टोटली पसंद नहीं आने वाली है। अगर आप प्रभास की बहुत ही बड़ी फैन तो इसी फिल्म को थिएटर यानी सिनेमा घर में जाके एक बार जरूर देखिए। अगर दोस्तों बात की जाए इसी फिल्म की रेटिंग की तो दोस्तों इसी फिल्म को मेरे तरफ से सिर्फ 2.5 स्टार।